नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देने आया हूं। उस क्वेश्चन की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर पहले वो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं, वो क्वेश्चन ये था कि आपके पास 5 स्पेसेस थे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, और आंसर आना चाहिए था 120। और यहां पर आप सिर्फ नंबर में, यानी कि डिजिट की बात करूं, इन नंबर की बात करूं, नंबर में आप सिर्फ क्या यूज कर सकते थे? 0 यूज कर सकते थे। तो कई लोगों के मुझे आंसर भी आए, व्हाट्सएप पे भी आए, इंस्टाग्राम पे भी कई लोगों के आंसर आए मुझे। तो कईयों ने क्या किया है कि रोमन नंबर का यूज किया। रोमन नंबर तो ऐड हो नहीं सकते, तो वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं। देखिए, ये समझने से पहले आपको एक बात को जानना जरूरी है कि जो आपका 0 फैक्टोरियल होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो आप कहेंगे 5×4×3×2×1 विच इज इक्वल टू 120। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल की बात करूं तो 4×3×2×1 विच इज इक्वल टू 24। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और ऐसा क्यों होता है ये मैं किसी दिन वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। वो अगली क्लास का टॉपिक होगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, हमने लिखा 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल, और इस कंप्लीट का अगर मैं कहूं तो ये फैक्टोरियल इक्वल टू, मैंने कहा था कि नंबर में सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? 0, उसके अलावा कुछ भी यूज कर सकते हैं सिंबल में। तो 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और इस कंप्लीट का क्या? फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और इस कंप्लीट का फैक्टोरियल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 120 के। तो यानी कि आंसर आ गया 120। ये आंसर है जो मैंने क्लास में, पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, इसका सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन कैसा था। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। पिछला क्वेश्चन की वीडियो भेजकर आप दोस्तों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और उनका फिर इस तरह से इस वीडियो से उसका सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, चाहे खुद ही पूछ लें और खुद ही बता दें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।